बुधभूषण को इंतजार हुआ खत्म। पेंशन धारक व पेंशन भोगियों 110% जीत पक्की। ORP 3 वन रैंक वन पेंशन। ORP 3 के ऊपर बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर हम 15 साल सर्विस किया है, मेरी क्वालिफाइंग सर्विस 17 है, मैं नायक से रिटायर हुआ हूँ, मैं हवलदार से रिटायर हुआ हूँ। जितने भी रैंक वाइज इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे, रैंक वाइज एरियर कितना बन रहा है किसका, ORP 3 की गतिविधियाँ चेंज हो गई है और बहुत ही तेज भी हो गई है। इस वीडियो में सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिपाही हो चाहे हवलदार हो, चाहे मतलब सूबेदार मेजर हो या फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, मेजर हो, हवलदार, सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, इस वीडियो में आपको हम सारा कुछ देखने को बताएंगे। और हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि आप लोग का जो मिनिमम और मैक्सिमम है, इस पे तो बात हम करेंगे ही करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम जो कि आपको बेसब्री से इंतजार था कि क्या रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम, क्या रहेगा मैक्सिमम। साथ ही में प्री 2006 पोस्ट 2006 को फॉर्मूला, मतलब क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वन रैंक वन पेंशन जैसी न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन जो ORP से रिलेटेड हो सबसे पहले आपके फ़ोन पे आपको मिल पाए। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों और पेंशन धारक व पेंशन भोगियों के साथ, साथ ही ORP 3 लाभार्थियों के साथ। वन रैंक वन पेंशन, पेंशन टेबल एरिया बेस ईयर लिया गया है 1 जनवरी 2023 को, ये 31 दिसंबर 2023, मतलब बेस ईयर लास्ट ईयर को लिया जाता है। 2024 में पेंशन रिवीजन होना है, ORP का रिवीजन होना है, ये तीसरी बार है, तीसरा चरण है ORP का जो 1/7/2024 से स्टार्ट है। सिपाही का कितना है वो था ORP 2 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ORP 2 में 18,807 था और 20,663 हो गया, यहाँ पे लगभग सिपाही का 2000 की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे ये अच्छी खबर है, नायक हवलदार सारे रैंक वाइज नायक सूबेदार जितने भी है सबका अच्छा खासा बढ़ा है। बात करें 33,000 था सूबेदार मेजर का, 36,000, 3,000 की बढ़ोतरी हुई बल्ले बल्ले पेंशन धारक व पेंशन भोगी को। सब्सक्राइब करें।